चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल, और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही दुर्लभ मृत संजीवनी महामंत्र। इस मंत्र के बारे में कहते हैं कि जब कभी व्यक्ति के सामने ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि रोग और शोक और कष्ट के अलावा जब आपको मार्ग में जीवन में कभी आगे बढ़ने का रास्ता ना दिखाई दे, असफलता की उस स्थिति में उस दौर में आप पहुंच जाते हैं जहां जीवन पूरा अंधकारमय दिखता है, अब आपको लगता है कि आपके हाथ में आपके जीवन में अब आगे कुछ शेष बचा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मृत संजीवनी महामंत्र जो है वो चमत्कार की तरह काम करता है। ये जो मंत्र है जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मूल रूप से हमारे शास्त्रों में मंत्र राज बताया गया है। जीवन में रोग द्वेष व्याधि शोक पीड़ा कष्ट शत्रु भय और काल सभी कुछ इसके समक्ष जो है वो शून्य हो जाते हैं, यानी जीरो हो जाते हैं। या कभी जीवन में ऐसा मार्ग आ जाए कि जीवन अंधकार में लगे तो आप स्वयं इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या योग्य आचार्यों द्वारा आप इस मंत्र का जाप करवा सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यह मंत्र किस प्रकार है। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिए समझिए और लिख लीजिए और फिर इसका अनुष्ठान आप स्वयं कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको मंत्र बताता हूं। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का उच्चारण या इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ तिथि से आप आरंभ कर सकते हैं। ये तिथि प्रदोष की या जो महीने में हर मास में आती है शिवरात्रि वो हो सकती है, या शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप इसको अगर आरंभ करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। इस मंत्र का जाप किसी भी शिव मंदिर में बैठ करके वहां पर भगवान शिव का ध्यान करके आपको आरंभ करना चाहिए। आरंभ करने के पश्चात नियमित कम से कम 45 दिन तक आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या किसी योग्य आचार्य द्वारा जो इसकी निश्चित संख्या है 1,51,000, 54,000, 33,000 कुछ भी इस संख्या में यदि आप अपने लिए इसका जाप कराते हैं, संकल्प देकर के जाप कराते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ देता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, शत्रु बाधा हो, शोक हो, रोग हो और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ना दिखाई दे, जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे आगे कुछ नहीं बचा है, तो ये मंत्र जो है महाकाल का एक आशीर्वाद बन करके आपके लिए आता है और महाकाल का ये ब्रह्मास्त्र माना जाता है, आपके जीवन के सभी कष्टों को तत्काल हर देता है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।